रिलेशन एंड ट्रस्ट वाली बात कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगी व्हाट दिस पैरेंटिंग मंत्रा, हाउ द एनएलपी एंड हाउ द कम्युनिकेशन इज बीइंग यूज्ड। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि काश मैंने लाइफ कोचिंग और एनएलपी पहले कर ली होती। सो आई एम अ प्राउड मदर ऑफ 3 children एंड अब तो बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे, तो काश मैंने ये सब पहले सीखा होता। लेकिन हाँ, मैं अपने दर्शकों को सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोग जब अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो अपनी भाषा में से नेगेटिविटी जो है वो रिमूव कर दी, क्योंकि आज भी हिंदुस्तानी घरों में ये बात होती है कि अरे तुम तो बहुत नालायक हो, तुम तो ये नहीं करते, तुम तो लेट से उठते हो, तुम खाना ढंग से नहीं खाते, तुम पूरे दिन टीवी देखते हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारी जिंदगी में आगे क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि एवरी सेंटेंस इज नेगेटिव एंड ये एक घर में नहीं, सारे घरों में ये बात है। तो हम मार्गदर्शक बनने की जगह हम उनके लिए ना रोड़े बना रहे हैं या जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। एक तरफ हम चाहते हैं कि बहुत कुछ कर लें और हाँ करेक्ट, हम उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं, हम उनको बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं कर रहे हैं, बट हम पता है क्या कर रहे हैं, हम उनको लेबल कर रहे हैं, तुम नालायक हो, तुम पूरे दिन टीवी देखते हो। तो हम उनके बिलीफ सिस्टम में ये बात डाल रहे हैं, एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम ये हो गया है। और आजकल हर घर में आजकल की तो जनरेशन ही ऐसी है, अब आपने पूरी जनरेशन को लेबल कर दिया। और जबकि मैं, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा यंग पीपल के साथ कॉलेजेस और स्कूल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि उनके जो विचार हैं, उनके जो आइडियाज हैं, वो इतने ब्रिलियंट हैं कि मैं उनकी एज में शायद ऐसा कभी सोच ही नहीं पाती। तो मैं समझती हूँ कि आज की जनरेशन ब्रिलियंट है, लेकिन आप देखेंगे कि जो नैरेटिव जो चल रहा है हम लोगों की फैमिलीज में या देश भर में, इनफैक्ट इवन इन द वर्ल्ड, कि आजकल की जनरेशन ही खराब है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज ब्रांडिंग देम। एक बार हमने उनके लिए ऐसा नाम क्रिएट कर दिया, और देखिए जैसे प्रोडक्ट होता है वैसे ही आपके बच्चे होते हैं। आपने जो ब्रांड क्रिएट कर दिया वो ब्रांड स्टिक हो जाएगा दूसरों के दिमाग में, उस बच्चे के दिमाग में, और जब वो बड़ा होता रहेगा, एडल्ट होता रहेगा, वो खुद पेरेंट बन जाएगा, तो भी उसके दिमाग में ये ब्रांडिंग रहेगी। ब्रांडिंग इज क्रिएटिंग द प्रोडक्ट। यस, तो ये जो आप लिमिटिंग बिलीव्स की बात कर रहे थे, तो ये लिमिटिंग बिलीव्स यहीं से आ रहे हैं बच्चों में, है ना। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांडिंग हमने दुनिया भर में कर रखी है कि यस विमेन आर द वीकर सेक्स, और यहाँ तक इतनी ब्रांडिंग कर दी कि विमेन देमसेल्फ स्टार्टेड टू बिलीव कि शायद यस ऑफकोर्स हो सकता है कि पूरी दुनिया कह रही है तो हम हो सकता है वीकर सेक्स है, हो सकता है हमसे ये नहीं होता हो, मैं अकेली कैसे कर सकती हूँ। स्लोली एंड थैंकफुली मेरे लाइफ टाइम में मैंने बहुत चेंजेस देखे, और जिस वक्त ये होता था कि हाँ हम कुछ नहीं कर सकते, आज जो महिलाएं हैं वो आर्मी में, एयरफोर्स में, पायलट्स, आपको शायद ये नहीं पता होगा कि जो मैक्सिमम वुमेन पायलट्स हैं वो हमारी कंट्रीज में है। सो दैट इज फैंटास्टिक। अब आज ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो वुमेन नहीं कर पा रही, so we must restrict ourselves from branding people negatively, that is what, yeah. And there's always a word is coming, relation, connection. And connection, now I would definitely ask ki aapka connection with your life partner, kyunki he is not only your life partner, he is even your business partner. ji so yes, kehte hai na ki बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज अ वुमन, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेसिव एंड इंटेलिजेंट मैन। सो वेरी अर्ली आफ्टर वी हैड मेट हम रियलाइज कर लिए थे कि हमारी जो स्किल्स हैं वो बहुत कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सो आई मे बी वेरी गुड इन बिल्डिंग रिलेशनशिप, आई मे बी वेरी गुड इन क्रिएटिंग मार्केट्स और ब्रांडिंग, and he is very particular and very perfect in creating processes. तो जो business में चाहिए होता है, जो एक balance चाहिए होता है, तो वो हम दोनों को मिला। और similarly वही चीज़ हम अपनी life के अंदर भी है कि we know that he will be able to look after all the processes in the house and I will be able to look after all the connections and relationships in the house. So as a couple, I've been very fortunate. In fact, I've been very blessed after 30 years of being married now. 30 साल हो जाएंगे कि we have that kind of relationship together.
ऑफ कोर्स एज एवरी कपल वी हैव आवर नोक झोंक, लेकिन यस टच वुड आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड दैट वे. वो दैट शुड बी देयर, क्योंकि ड्रामा नहीं है तो स्टोरी कंप्लीट, स्टोरी कंप्लीट नहीं, स्पाइस ऑफ लाइफ दैट इज नीड. यस यस. और पर ये है कि दो डिफरेंट पर्सनालिटीज ही कोई चीज को क्रिएट कर सकते हैं एक्चुअल में अगर देखा जाए. हाँ, दुनिया में हर एक चीज चाहिए, यिन एंड यांग दोनों एनर्जीज चाहिए. और आपको इतना ओपन माइंडेड कम्युनिकेशन में हम कई बार स्टबर्न हो जाते हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और हम सोचते हैं कि वही सही है और उसको बहुत ईगो बेस्ड बना लेते हैं. लेकिन अगर हमारी कम्युनिकेशन ओपन है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो अगर आप अपने कंपनीज में भी मीटिंग्स में कॉन्फ्रेंसेज में देखेंगे तो when we are brainstorming together, and what is the main objective of brainstorming is to find out different ideas. और जिस सिर्फ ये सोच के बैठना कि मेरा ही आइडिया सही है, तो वो भी कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है. ईगो को पीछे हट रहा है. यस, बिकॉज देर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, देर आर डिफरेंट पीपल, देर आर डिफरेंट ओपिनियंस. सो उन पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए अगर आप कोई डिसीजन करेंगे अपने बिजनेस के लिए तो वो बहुत बैलेंस्ड होगा. सो द एबिलिटी टू लिसन टू ईच अदर, that brings me to another aspect of communication where I talk of listening and empathy. अगर मेरी sound आप तक पहुंच रही है तो congratulations, आपके ear बिल्कुल perfect हैं, है ना? लेकिन अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंच रही है, if I can reach to your heart, then it is effective communication. So सुनना और समझने में जो फर्क होता है वही communication और effective communication का फर्क होता है. So आप जब बिजनेस कर रहे हैं या घर में कोई रिलेशनशिप है तो आप में इतनी हिम्मत और ताकत होनी चाहिए कि दूसरों की भी आप बात सुन सकें. और वो तब आती है जब आप एम्पथी, आजकल बहुत एम्पथी वर्ड जो है फैशनेबल हो गया है, लेकिन आई डोंट नो इफ एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट इज एम्पथी. सद्भावना. एग्जैक्टली, सद्भावना. अगर लोग समझ भी पाते हैं कि नहीं कि सद्भावना है क्या, जस्ट बिकॉज आई एम लिसनिंग टू यू डज नॉट मीन दैट आई एम फुल्ली अंडरस्टैंडिंग एंड taking your things as the complete truth. क्योंकि वो sympathy को ही लोगों ने empathy बना दिया है. जी जी, ये सबसे बड़ी विडम्बना है actual में कहा. बहुत सही है, sympathy, apathy और empathy तीनों को समझ पाना, है ना? तो for example कि आपके साथ क्या गुजर रही है, अगर मैं ये समझ पाऊँ मुझे दुख हो रहा है आपके साथ क्या हो रहा है, ये मेरी sympathy है. अगर मैं बिल्कुल भी dissociated हूँ and I do not care what is happening with you, that is apathy. But when I can actually understand, when I can be in your shoes, and that is empathy. So listening and empathy are a very, very big part of good effective communication. So उसको हम लेके चलते हैं और naturally हम जो 8-10 घंटे corporate life में spend कर रहे हैं 6 days a week for 365 days a year. So the kind of relationships we have in our offices. तो वहाँ पे हम एम्पैथी अगर ला सकें, लिसनिंग एटीट्यूड ला सकें, स्पेशली बॉसेस के साथ, क्योंकि हायरार्की होती है, देखिए, है ना? तो हायरार्की में हर एक आदमी ये सोचता है कि भाई मुझे सब कुछ आता है, या मैं टॉप पे इसीलिए हूँ क्योंकि यू हैव टू लिसन टू मी. तो आप किस तरह के लीडर हैं? आर यू कमांडिंग, आर यू डिमांडिंग, और आर यू टेकिंग एवरीबडी टुगेदर? तो एक लीडरशिप का ये अहम पार्ट है कि हमारी जो टीम हमने क्रिएट करी है, क्या हम उसके पूरे टैलेंट को पूरी तरह से यूज कर पा रहे हैं? और हमारा जो एम्प्लॉई है वो अपना 100% इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो लीडरशिप से कन्विंस नहीं है. वो लीडरशिप से कन्विंस इसलिए नहीं है कि आप उसके साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि उसको क्या आता है, उसको क्या चाहिए, उसके क्या नीड्स हैं, क्या गोल्स एंड एस्पिरेशंस हैं. एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है इसमें है, वो है टाइम वर्थ का. हम लोगों की जो भागदौड़ की जिंदगी है, स्पेशली इन ऑफिसेज, हम टारगेट्स के पीछे भाग रहे हैं. एवरी डे देर इज अ डेडलाइन, एवरी डे देर इज अ क्राइसिस. सो वी लैक दैट फंडामेंटल, यू नो, टाइम टू एस्टैब्लिश ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप. सो ये एक चीज है, जो चैलेंज है, जो इशू हर लीडर का है कि वी डू नॉट हैव द टाइम टू बिल्ड दोज रिलेशनशिप्स. और क्योंकि हम रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते तो हमारी कंपनी में टर्नओवर्स बहुत होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं. तो सो इस पूरे साइकिल को रोक पाने के लिए एक लीडर का अहम रोल होता है. और लीडरशिप थ्रू गुड कम्युनिकेशन, थ्रू एम्पैथेटिक लिसनिंग, थ्रू बिल्डिंग ट्रस्ट.